कक्षा आठवीं गणित मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को चतुर्भुज की रचना कराने जा रहा हूं जिसकी प्रश्नावली 11.3 है। चलिए देखिए प्रश्नावली में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले उदाहरण 5 की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है जिसमें एबी बराबर 4.5, बीसी बराबर 3.5 और सीडी बराबर है 3.8 सेंटीमीटर। एडी है 4 सेंटीमीटर, कोण ए जो है 57 अंश का हो। चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इसमें सबसे पहले हम एबी खींचेंगे 4.5। चलिए देखते हैं एबी 4.5 खींच करके। ये है एबी हमारी 4.5, ये रेखा हमने एबी खींच ली है। अब स्केल को हटा देते हैं और कोण बनाएंगे ए पर 57 डिग्री का। चलिए देखिए कोण ए पर हम 57 डिग्री का बनाएंगे। ये ए हो गया, इस पे 57 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ देखिए ये 50 हो गया और ये 55 हो गया, ये 56 और ये 57, ये कोण आपका 57 अंश का बन गया। इसको हटा देते हैं और इसको मिला करके एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ से पहले इसका नाम दे दीजिए, ये ए और बी है। कितना खींचा था हमने, ये खींचा है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख भी लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, कोण ए से जो है हमने ये जो बनाया था कोण 57 डिग्री का, इसको पहले हम मिला देते हैं और ये 57 डिग्री का कोण बन चुका है आपका। चलिए कोण को भी लिख दीजिए कि 57 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो हमने लिख दिया ये 57 डिग्री। अब इस 57 में से इसने 4 सेंटीमीटर लेकर के काटा हुआ है, तो हम प्रकार स्केल लेंगे और इसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेके भरेंगे। चलिए देखिए 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके देखते हैं इसमें कितना आता है। ये आपकी 4 सेंटीमीटर की दूरी इसमें दिखाई दे रही होगी, इस तरह से आराम से आप लोग ले सकते हो। ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब बिंदु ए पे रखना है इसको और रख करके इसका चाप लगाना है ऊपर की तरफ। ये आपका चाप लग गया है, देखिए यहाँ पे चाप लग गया है। अब प्रकार को हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, बिंदु लिखना है। ये बिंदु आपका डी आ गया है और ये दूरी कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो ये लिख लिया करिए तो जिससे कि रचना में हमारे काम आएगा। अब क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर प्रकार में लेना है। तो प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं यहाँ से। ये 3.5 लेने की प्रक्रिया चालू कर दी है मैंने। देखो ये 3.5 की ये दूरी ले ली गई है। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, बी पे रखना है इसको। तो प्रकार की नोक बी पे रख करके फिर से एक चाप लगाना है आपको। ये ऊपर की तरफ आपकी चाप लगाना है, ये चाप मैंने लगा दिया। देखो ये चाप लग गया आपका। अब क्या करना है, अब 3.8 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो इसमें से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। तो ये देखो 3.8 की दूरी लेने जा रहा हूँ। ये 3 है और ये 8 आपको दिखाई दे रहा है। यहां तक की दूरी हो गई है। अब इसको बिंदु डी पे रखना है और चाप लगाना है। ये चाप आपका लग गया है। अब प्रकार को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है ये दूरियां मिला दीजिए। पहले बिंदु भी लिख दीजिए, ये डी हो गया, ये बिंदु आपका सी आया था। चलिए मिला देते हैं जरा, ये डी से सी को मिला दीजिए और बी से भी सी को मिला दीजिए और इन पे ये दूरियां लिख दीजिए कितनी कितनी थी। ये जो दूरी थी 3.5 थी, यहाँ 3.5 सेंटीमीटर लिखनी है और ये जो दूरी थी कितनी थी 3.8 सेंटीमीटर है। तो इसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये रचना के पदों में काम आएंगे। चलिए हम आगे स्केल को हटा देते हैं। स्केल को हटाने के बाद चलते हैं अपने उसी पेज पे रचना के पदों को लिखने के लिए। इसमें रचना के पद लिखना है हम लोगों को। रचना के पद के लिए सबसे पहले नंबर एक आता है इसका। नंबर एक क्या है, 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। यहाँ लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। नंबर दो पे बिंदु ए पर कितना बनाया, 57 अंश का कोण बनाया। नंबर तीन, ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगाया, से ने ले करके चाप लगाया। 4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेकर एक चाप लगाया।
यह चाप कोण की भुजा को डी पर काटता है। नंबर 5, बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार से एक चाप लगाए। नंबर 6, बिंदु डी से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार से एक दूसरा चाप लगाया। नंबर 7, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। नंबर 8, बी व सी को मिलाया, डी व सी को मिलाया। नंबर 9, चतुर्भुज ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। ये यहां तक आपको करना होता है। चलते हैं हम अगले इस पे। ये उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी का मान 110 अंश है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हम बीसी रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, पहले 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। ये बीसी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल को हटा देना है और यहां पर 110 अंश का कोण बनाना है बीसी को, यानी बी और सी कितना लिया गया 4 सेंटीमीटर। तो दूरी भी लिख लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर। चलिए बी पर कोण बनाना है कितना 110 अंश का, तो बना लेते हैं बी पर कोण 110 अंश का। देखिए ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, 110 अंश कहाँ बैठेगा, ये देखो 100 है और ये 110 आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा 110 अंश। तो यहाँ पर हमें बनाना है, इसको मैं हटा देता हूँ चांदे को और 110 की ये लाइन पूरी कर देते हैं। चलिए बी से लेकर के ये 110 डिग्री के कोण की लाइन लग गई है। अब इस पे कोण भी आप लिख लेंगे 110 अंश, तो चलिए लिख लेते हैं 110 अंश। अब क्या करना है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी प्रकार में दूरी जो भरनी है वो 5 सेंटीमीटर की भरनी है। तो यहां से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए, ये आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई दे रही हो गई, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली गई है। अब कहाँ पे रखना है, इसको बिंदु बी पे रखना है और चाप लगाना है आपको, ये चाप इसके ऊपर ही जाकर के लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ये चाप मैंने लगा दिया है, यही चाप आपको यहां से भी लगाना है, बिंदु सी से भी लगाना है चाप, दोनों चाप हमने लगा दिए यहाँ पर। चलिए देखिए कैसे चाप लगेगा, ये चाप आपके लग गए हैं। अब जितनी दूरी थी इसके अंदर 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी फिर से ले लीजिए आप, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी आपको फिर से लेनी है, ये दिखाई दे रही है 4 सेंटीमीटर की दूरी। ये दूरी लेकर के अब इसको यहां रखना है और इस चाप को इधर लगाना है। चलिए लगा देते हैं इस चाप को, देखिए ये लग गया है चाप। अब इसको हटा देते हैं प्रकार को, और प्रकार को हटाने के बाद जो है क्या करेंगे, इन रेखाओं को मिलाना चालू करेंगे। तो कहां कहां से रेखाएं मिलानी है, पहले देख लीजिए बिंदु कौन कौन से आया, बी तक आया, फिर इसके बाद ये सी आ गया और बी सी 4 सेंटीमीटर थी, ये हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी दी थी। अब इसके बाद क्या करा गया, नहीं बी सी ये ए बी 5 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, ये बच्चों ये गड़बड़ हो गया इसमें, जरा इसको सही करना है। ये आपका बिंदु जो था ये ए आया था बिंदु, और ए बी जो था वो 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 कर लेंगे आप लोग, और इसको मिलाना है अब, तो इसको मिला दीजिए। ये बिंदु हमारा कौन सा आया है, ये ए बी सी और ये डी बिंदु मिल गया था, तो क्या करना है ए से डी को मिला देना है, तो ये ए से डी को हमने मिला दिया और सी से भी डी को मिलाना है, तो ये एक अभीष्ट चतुर्भुज
बन गया है, पर इसको पेटी को हटा के रख देना है और हमें फिर से रचना के पदों को लिखना है। चलिए रचना के पदों को लिखने के लिए अपने उस पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक लिखते हैं हम लोग। नंबर एक क्या करा हमने, बीसी 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तो यहां लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बीसी खींचा। नंबर दो, बिंदु बी पर चांदे की सहायता से एक सौ दस अंश का कोण बनाया। नंबर तीन, बिंदु बी से 4-5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेकर एक चाप लगाया। यह चाप कोण की भुजा को बिंदु ए पर काटता है। नंबर चार, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी से दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। ए से डी को मिलाया तथा सी से डी को मिलाया। चतुर्भुज ए बी सी डी अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। ये रचना इस तरह से आपको लिखनी पड़ेगी। चलते हैं आगे देखते हैं जरा। प्रश्नावली 11.3 है हमारी। ये पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें एबी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, सीडी और एडी दोनों बराबर हैं और ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है और कोण जो दिया हुआ है ए 120 अंश का है। चलते हैं देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं इसको। सर्वप्रथम जो है हमें रेखा खींचनी है ए बी 5.4 सेंटीमीटर, तो ये हमने पटरी प्रकार ले लिया है। अब इसमें से कितना लेना है 5.4 सेंटीमीटर, तो देखिए ये 5.4 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच दी। स्केल को हटा देना है और यहाँ पर लिख देना है ए बी कितना था, ये 5.4 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या करा हमने, कोण इस पे बिंदु ए पर कोण बनाना है हमें 120 अंश का, तो ये प्रकार ले चांदा ले लिया हमने। अब 120 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ देखिए तो 90, 100, 110, ये 120, ये कोण जो है आपको 120 अंश का है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ चांदे को और इससे लाइन खींच देते हैं। ए से होते हुए ये लाइन खींच दे रहे हैं हम, ये 120 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, इसको लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ये कोण कितने का बना है ये लिख डालिए, ये है 120 अंश का। अब यहां से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरेंगे, तो देखते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के प्रकार में, ये हमने यहां रख दिया है, प्रकार ले लिया है। अब इसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी यहां से लेनी है आपको, तो देखिए लेकर के मैं दिखा रहा हूं, ये दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई है। अब ये बिंदु ए पे रखना है और चाप लगाना है आपको।
इस दिशा में चाप लगाना है, तो जरा चाप हम लगा देते हैं। जरा देखो कैसे चाप लग रहा है, ये चाप आपका लग गया है और इसको प्रकार को अब हटा देना है। और ये जो बिंदु आया है वास्तव में कितना आया बिंदु, ये डी बिंदु आया है। और दूरी कितनी थी, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये दूरी भी लिखनी जरूरी होती है जो कि रचना के पदों में काम आती है। अब क्या करना है, 20 में 4.8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाना है। तो चलते हैं, दूरी में बदलता हूं मैं, 4.8 सेंटीमीटर की दूरी लेता हूं। देखो ये 4.8 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। इस दूरी को लेकर के बी से अब चाप लगाना है। तो बी पे हमने रख दिया यहाँ पे, और चाप लगाने की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो ये देखो ये चाप लग रहा है इसका, ये प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। अब क्या करना है हमें, 5 सेंटीमीटर की फिर दूरी भरनी है और चाप लगाना है हमें। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हमें फिर भरनी है। तो देखो 5 सेंटीमीटर की दूरी मैं फिर से भर लेता हूँ। ये देखो 5 सेंटीमीटर हो गई है, लेकिन अब जो है इसको डी बिंदु पे रखना पड़ेगा और ये चाप लगाना है आपको। तो ये चाप लग गया, अब इसको प्रकार को हटा दीजिए और इसके बाद इनको मिलाना होता है। तो मिलाते ये बिंदु देख लीजिए कौन सा हो गया, ए बी, ये सी बिंदु निकल के आया है। अब क्या करना है, इसको मिलाना है, डी से सी को मिला देंगे। तो डी से सी को मिला दिया और बी से भी सी को मिला दिया, ये हमने मिला दिया है। स्केल को हटा देंगे और ये हमारा एक अभीष्ट चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया है। चलिए रचना के पदों को लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले इसके रचना के पदों में नंबर एक में आता है, ए बी रेखाखंड 5.4 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर खींचा। नंबर दो, कोण बिंदु ए पर चांदे की सहायता से 120 अंश का कोण बनाया। नंबर तीन पे देखिए, बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार में लेकर एक चाप लगाया। नंबर चार है, कितना लेना है अब हमें, ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। डीसी कितना था देखो बच्चों, डीसी सीडी ये तो 5 सेंटीमीटर था, ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख दीजिए 5। और यहां पर बीसी कितना था, बीसी 4.8 है, ये दूरी भी यहां लिखनी जरूरी है। चलिए अब क्या करा, नंबर चार पे बी से बिंदु बी से 4.8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। यहां जो बिंदु डी पर काटता है, चलिए नंबर पांच देखते हैं, बिंदु डी से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। नंबर छह, दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। नंबर सात, डीसी व बीसी को मिलाया। नंबर आठ, चतुर्भुज ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है जिसमें एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, डीए बराबर 4.2 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर
60 अंश। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। सर्वप्रथम हमने जो है रेखाखंड खींचना ए बी 3 सेंटीमीटर, तो चलिए खींच लेते हैं पहले। ये ए बी खींच के दिखा रहा हूं मैं 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच दी है। स्केल को हटाइए, पहले यहां लिख लेते हैं ए बी, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। चलिए ये 3 सेंटीमीटर हो गई। अब ए पर 60 अंश का कोण बनाना है, तो हम प्रकार की सहायता से बना लेंगे 60 अंश का कोण, तो क्योंकि ये आसान तरीका होता है 60 अंश का कोण बनाना। जब देख लीजिए कैसे बनता है 60 अंश का कोण। ये हमने रखा प्रकार की नोक को और इसको ऐसे घुमा दिया आपने एक बार, ये आपका हो गया। आप प्रकार की नोक को चेंज कर दीजिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए। आप प्रकार को हटा दीजिए और ये एक इसको बनाइए, ये कोण आपका 60 अंश का आ जाएगा बिल्कुल। अब ये 60 अंश का कोण आया, तो 60 अंश का कोण लिखना भी पड़ेगा आपको कि ये कोण जो है आपने बनाया कितने अंश का है, 60 अंश का। अब ए से हम 4.2 सेंटीमीटर से चाप लगाएंगे, तो हमने ये प्रकार निकाला है यहाँ पे, और कितनी दूरी लेनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो प्रकार की नोक ये मैंने यहाँ रख दी है, ये रखी है, और दूरी कितनी लेनी है 4.2। देखते हैं 4.2 कहाँ तक बैठती है, ये है 4.2। ये दूरी लेकर के बिंदु ए से हमें चाप लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे चाप लगता है। ये इस तरह से रख के हमें चाप लगाना है, ये चाप लग चुका है। अब हमें डी से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के चाप लगाना है, तो देखिए ये बिंदु डी आ गया हमारा। कितनी दूरी लेनी है आपको बताया अभी मैंने, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर दूरी ले रहे हैं हम यहाँ, ये 3.5 सेंटीमीटर की दूरी मिल गई है। अब इसको बिंदु डी पे रखना है और चाप लगाना है, तो ये चाप हमने लगा दिया है यहाँ। अब फिर से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेना है मैम, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी ले रहा हूं मैम। चलिए 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर हो गई है प्रकार में। अब रखना है हमें कहाँ, बिंदु बी पे रखना है और ये चाप लगाना है, तो ये चाप भी आपका लग गया है। देखो आप प्रकार को हटा दीजिए और इन रेखाओं को मिला दीजिए। पहले बिंदु लिख लेते हैं, ये बिंदु कौन सा आया था, डी बिंदु आया था, ये आपका सी बिंदु है। तो किससे किसको मिलाना है, डी से सी को मिला देना है और बी से सी को भी मिला देना है और स्केल हटाना है। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बन करके तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले हम नापों को लिख लेते हैं कितने कितने नापे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ये दूरी कितनी है 4.2 थी ये, और ये दूरी कितनी आई थी 4 सेंटीमीटर आई थी, और ऊपर वाली दूरी कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए सारी दूरियां हो चुकी हैं, अब हमें रचना के पदों को लिखना है। रचना के पदों को लिखना है अब हमें। नंबर एक देखो क्या करना है हमें, ए बी रेखाखंड 3 सेंटीमीटर खींचा, यानी रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। नंबर दो, बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाया, ये वैसे मैंने प्रकाश से बनाया है। नंबर तीन है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो कोण की भुजा को डी पर काटता है। नंबर चार, बिंदु डी से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। नंबर पांच, बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को
बिंदु सी पर काटते हैं। नंबर सात, डीसी व बीसी को मिलाया। और नंबर आठ, चतुर्भुज ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। मेरे ख्याल से रचनाओं को आप लोग आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक प्रश्न नंबर तीन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करनी है, जिसमें पी क्यू बराबर 5.4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.8 सेंटीमीटर और कोण पी का मान 75 अंश हो। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। सर्वप्रथम हम रेखाखंड पी क्यू खींचेंगे 5.4 सेंटीमीटर। चलिए ये रेखा ले लिया हमने, और कितना खींचना है 5.4, तो ये 5.4 की रेखा खींच दी हमने। अब इस पे नाम भी लिख देते हैं, नाम कितना देना है पी क्यू, ये है पी और ये है क्यू आपका। चलिए देखते हैं क्यू, हमने इसको स्केल को हटाइए यहाँ से और यहाँ पर क्यू लिख दीजिए। चलिए पी क्यू कितना है, ये है 5.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए इसको 5.4 सेंटीमीटर। अब बिंदु पी पे हमें 75 अंश का कोण बनाना है, तो ये हमने चांदा निकाल लिया है, अब यहाँ पे 75 अंश का कोण हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे 70 ये हो गया और ये 5.75 हो गया, तो ये कोण आपका 75 अंश का बन गया है। अब इसको हटाइए और इस कोण को पहले रेखा को खींच दीजिए, ये 75 अंश की लाइन बन गई है। अपना आराम से देखिए इसको और यहाँ लिख भी दीजिए कि हाँ ये कोण हमने कितना बनाया है, 75 अंश का बनाया, तो कोण भी 75 अंश लिख लीजिए। अब क्या करना है इसमें कि क्यू आर जो है 3.8 दिया हुआ है, क्यू आर का मान 3.8 है, तो ये अब पी एस का मान भी 3.8 ही होगा। तो चलिए देखिए क्यू आर का मान हम 3.8 ले लेते हैं पहले। अब हमें प्रकार की सहायता लेना है, कितना लेना है 3.8, तो ले लेते हैं जरा 3.8, ये 3.8 की दूरी लेते हैं हम यहाँ पे, देखते हो कैसे लेते हैं, ये है 3.8, देखो आपकी दूरी आ चुकी है 3.8। इसको लेकर के क्यू से पहले लगाएंगे चाप हम, और देखिए ये चाप कुछ ऐसा लगेगा, ये आपका चाप एक लग चुका है, और ऐसा ही चाप आपको पी से भी रख के लगाना है, तो ये चाप ये भी लगा के मैंने दिखा दिया है आपको। अब क्या करना है यहां से, ये जो दूरी 5 सेंटीमीटर की थी आपकी 5.4 वाली दूरी, ये दूरी फिर से नाप ले लीजिए और इसको बिंदु यहां पे रख करके, एस वाले बिंदु पे रख करके इसको एक चाप लगा देते हैं। अब इसको हटा दीजिए, स्केल भी हटा दीजिए, प्रकार भी हटा दीजिए और इनको मिला देते हैं। तो मिलाने के लिए ये देखिए इसको यहां से मिला दिया गया है और इसको यहां से मिला दिया गया, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनके तैयार हो गया। अब इनके नाम ले लेते हैं पी क्यू, और ये आर है आपका और ये बिंदु कौन सा है, एस है। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर, और इनकी नाप लिख लेते हैं भाई। नाप जो है क्यू आर कितनी थी, ये 3.8 सेंटीमीटर थी, तो लिख दीजिए 3.8 सेंटीमीटर। और क्या था कोण, ये हो गया 5.4, तो सारी मापे आपको लिख दी गई हैं, और यहाँ पर ये भी 3.8 ही होगी बच्चों ध्यान रखना, और ये भी आपकी 5.4 ही होती है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं, इसी के आधार पे हम चतुर्भुज बनाते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना के पदों को लिखना प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए रचना के पदों को लिख लेते हैं। तो सबसे नंबर एक पहले लिखते हैं रेखाखंड, एक रेखाखंड पी क्यू बराबर 5.4 सेंटीमीटर खींचा, पहला स्टेप हो गया। दूसरे में देखो क्या है, बिंदु पी पर 75 अंश का कोण बनाया। नंबर तीन देखो क्या है, बिंदु पी व क्यू से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाए। नंबर चार, ये चाप बिंदु एस पर काटते हैं। नंबर चार है, बिंदु
एस से 5.4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु R पर काटते हैं। SR व QR को मिलाया। चतुर्भुज PQRS अभिष्ट क्या है? समांतर चतुर्भुज है। यही रचना इसके हो गई है। अब आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है चौथा हमारा। समचतुर्भुज STUV की रचना करनी है जिसमें ST बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण S बराबर 60 अंश। देखते हैं ये कैसे बनना चालू होगा, इसके लिए रचना बनाना शुरू करते हैं। इसकी रचना के लिए सबसे पहले हमें ST 4 सेंटीमीटर खींचना है, तो पहले हम खींच लेते हैं ST को 4 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है 4 सेंटीमीटर की हो गई है, इसको हटा दीजिए और नाम लिख लीजिए ST। ST बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इसको लिख दीजिए। अब क्या करना है हमें, S पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो प्रकार से बनाइए, चाहे आप चांदी से बनाइए, मर्जी है आपकी। मैं आपकी प्रकार से ना बना करके चांदी से बना दे रहा हूं। ये 60 अंश का कोण यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं अब और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं जिससे 60 अंश का कोण सही से बन जाए। यहाँ पे देखिए 60 अंश का ही कोण बन चुका है। अब क्या करना है, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है बच्चों। हालांकि 4 सेंटीमीटर की दूरी नीचे जो पड़ी हुई है 4 सेंटीमीटर की ही दूरी है, तो इसको ही भर लेते हैं हम अपने प्रकार में और चाप लगाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं, इसको देखते हैं कहाँ पे चाप है। ये चाप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो सबसे पहले यही चाप लगा दीजिए। ये 4 सेंटीमीटर का चाप लग गया है। अब फिर से यहाँ पर भी रखना है, अब फिर चाप लगाना है आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी का ही। तो देखिए ये चाप लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी का चाप लग गया है। अब फिर से यही 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे रखनी है और फिर दोबारा चाप लगाना है। तो ये देखिए 4, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये चाप लग चुका है। अब इसको प्रकार को हटा देते हैं और इन रेखाओं को मिला देते हैं। तो नाम लिख लेते हैं पहले, ये तो हमारा हो गया एस टी, अब ये आपका यू आ गया है और ये वी है आपका। चलिए इसको मिला लेते हैं। तो एस से लेकर के यू तक मिलाया आपने और वी से लेकर के यू तक मिलाया, तो ये आपकी दूरियां जो थी सारी कितनी कितनी है सबको लिख दीजिए। 4 सेंटीमीटर की ये दूरी है, ये भी 4 सेंटीमीटर की दूरी है और ये वाली दूरी थी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। अब ये सारा हो चुका है, कोण जो बनाया था आपने कितने अंश का बनाया था उसको भी लिख दीजिए, क्योंकि ये रचना के पदों में काम आने वाला है। चलिए देखते हैं अब रचना के पदों को हम लोग करके देखते हैं किस प्रकार से रचना लिखी जाएगी। रचना के पद को शुरू करते हैं लिखना। तो नंबर एक है, एक रेखाखंड एस टी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। नंबर दो, बिंदु एस पर 60 अंश का कोण बनाया। ये कोण आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, प्रकार से बना सकते हो और चांदे से भी बना सकते हो। नंबर तीन देखिए, बिंदु एस को केंद्र मानकर एक चाप 4 सेंटीमीटर का लगाया। 4 सेंटीमीटर की दूरी का लगाया, जो कोण की भुजा को V पर काटता है। नंबर चार, V से 4 सेंटीमीटर की दूरी का
एक चाप लगाया। नंबर पांच, बिंदु टी से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु यू पर काटते हैं। नंबर सात, बी यू व टी यू को मिलाया। नंबर आठ, ये चतुर्भुज जो है एस टी यू भी एक सम अभिष्ट सम चतुर्भुज है। अभिष्ट सम चतुर्भुज है। ये यहां तक रचना के पद हो गए हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।